दोस्तों फूड इंडस्ट्री आज के टाइम में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत सारे लोग इसके अंदर अपना करियर बना रहे हैं। अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो कस्टमर को कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, और अगर कोई कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी और बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कर देता है तो उसकी मोनोपोली हो जाती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं जिसके अंदर आप कस्टमर्स को कम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी बेस्ट क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कर पाओगे और अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे। तो दोस्तों वो फास्ट फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, आप उसको कैसे ले सकते हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फ्रेंचाइजी की बात के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस फास्ट फूड फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड कर रही है कंपनी जिसका नाम है वन बाइट। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस कंपनी के पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100 से भी ज्यादा स्टोर है, और आपने ये लाइन तो कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। मतलब दोस्तों बिजनेस को कोई भी अकेला आदमी आगे बढ़ा नहीं सकता, अगर बिजनेस को बुलंदियों तक पहुंचाना है तो उसके लिए टीम की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों वन बाइट कंपनी भी इसी विजन के ऊपर काम कर रही है और वो चाहती है कि हर कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में और बेस्ट क्वालिटी के फास्ट फूड प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों इस चीज के लिए इनको बहुत सारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स की जरूरत है, और वन बाइट कंपनी लो इन्वेस्टमेंट में फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों अगर आप फास्ट फूड इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए जबरदस्त फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसका फायदा आप उठा सकते हैं और बहुत ही कम बजट में इस फ्रेंचाइजी को लेकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमको वन बाइट कंपनी की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, मार्केट में तो ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो फास्ट फूड फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको वन बाइट कंपनी की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू करने का मौका मिलता है। इसके अलावा कंपनी दावा करती है कि आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वो 6 महीने से लेकर 18 महीने के अंदर रिकवर हो जाएगा, आप उससे ज्यादा ही पैसे कमा लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर आपको सिर्फ 2% रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, वो भी तब जब आपके आउटलेट पे पूरे महीने में 3 लाख रुपए के ऊपर का सेल होने लगे। अगर आपके आउटलेट पे 3 लाख से कम का सेल होगा तो आपको कोई भी रॉयल्टी पे करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर 3 लाख के ऊपर का सेल होता है तो आपको सिर्फ 2% रॉयल्टी पे करनी होती है। इसके अलावा दोस्तों आपको कंपनी जो इन्वेंट्री प्रोवाइड करती है वो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करती है कि फूड का वेस्टेज बहुत ही कम होता है, और ये चीज आप खुद जानते होंगे वेस्टेज जितना कम होगा उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ने वाला है। और दोस्तों जब आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको कुछ टाइम के लिए ट्रेंड स्टाफ दिए जाएंगे और साथ ही साथ में आपको कंप्लीट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और दोस्तों इनका जो मेन्यू है वो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है। मैं आपको बता दूं इनके आउटलेट पे बर्गर की शुरुआत होती है 31 रुपए से और पिज्जा की शुरुआत होती है 61 रुपए से। तो अगर आप अपने आसपास के लोकल शॉप को देखोगे तो वहां पे भी बर्गर और पिज्जा इससे ज्यादा प्राइस में बिकता है। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके आउटलेट पे जबरदस्त भीड़ होने वाली है। और दोस्तों इनकी फ्रेंचाइजी लेने के बाद में आपको कोई प्रोफेशनल शेफ हायर करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इनकी 60% आइटम्स फ्रोजन और प्री कुक्ड होते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक असेंबलर की जरूरत पड़ेगी जो रेस्टोरेंट लेवल पे चीजों को फ्राई करे, उसके बाद में असेंबल करके कस्टमर को सर्व कर दे। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि मैंने कहा कि इनका जो मेन्यू है बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, तो उसकी वजह से आपके आउटलेट पे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, और आप खुद जानते होंगे जितने ज्यादा कस्टमर्स आपके आउटलेट पे आने वाले हैं उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होने वाला है। और दोस्तों सबसे बड़ा रीजन ये आपको 3 तरीके की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से अपनी लोकेलिटी के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि वो तीनों प्रकार की फ्रेंचाइजी कौन सी है। सबसे पहला टेक अवे कियोस्क मॉडल, दूसरा स्टैंड अलोन हाई स्ट्रीट मॉडल, और तीसरा डाइन इन मॉडल। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहला टेक्निकल इक्विपमेंट। देखिए दोस्तों ये वो चीजें हैं जिनकी जरूरत आपको किसी भी प्रकार की डिश बनाने के लिए पड़ने वाली है, जैसे कि फ्रायर, डो मेकर, ओवन, ग्रिलर, वेफल मशीन, यूटेंसिल्स वगैरह वगैरह। इसके अलावा दोस्तों आपको डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंडक्शन मशीन, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके आउटलेट का जो इंटीरियर होगा और एक्सटीरियर होगा वो आपको कंपनी के हिसाब से करवाना होगा। तीसरा
काउंटर एंड सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए दोस्तों, अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको किचन और काउंटर बनाना पड़ेगा, इसके अलावा आपको सिटिंग अरेंजमेंट की जरूरत भी पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप कियोस्क मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ किचन और काउंटर बनाना पड़ेगा, आपको सिटिंग अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरीके की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप किसी मॉल में ले सकते हैं या बिजी स्ट्रीट एरिया में भी ले सकते हैं, जहां पे पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्टैंड अलोन मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके लिए आपको 200 से लेकर 500 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसे आउटलेट पे आपको थोड़ी बहुत सिटिंग अरेंजमेंट भी करनी होगी। और दोस्तों, अगर आप डाइनिंग मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास 600 से लेकर 1000 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको अच्छी खासी सिटिंग अरेंजमेंट करनी होगी। इसके अलावा दोस्तों, आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर, लाइटिंग, म्यूजिक, इन सब का भी अरेंजमेंट करना होगा। चौथा, रॉ मटेरियल। दोस्तों, अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे फूड आइटम प्री कुक्ड मिलेंगे, जिन्हें आप स्टोर करके रख सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी जूसेस होंगे या शेक्स होंगे उनके लिए रॉ मटेरियल आपको बाहर से लेना होगा। पांचवा, एम्प्लॉइज। दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी के लिए आपको कम से कम 4 एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ने वाली है, 2 किचन के लिए, 1 काउंटर हैंडल करने के लिए और 1 क्लीनिंग करने के लिए। छठा, स्पेस। दोस्तों, अगर मैं स्पेस की बात करूं तो अलग अलग फ्रेंचाइजी मॉडल में आपको अलग अलग स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, अगर आप कियोस्क मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके अंदर आपके पास 120 से लेकर 200 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्टैंड अलोन मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसके अंदर आपके पास 200 से लेकर 500 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। और दोस्तों, डाइनिंग मॉडल के लिए आपके पास 600 से लेकर 1000 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। सातवां, डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दोस्तों, इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए एक तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपको ट्रेड लाइसेंस भी लेना होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कंपनी की तरफ से आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सबसे पहला, स्पेस फाइंडिंग। देखिए दोस्तों, फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप जो भी जगह फाइनल करेंगे तो उसके बाद में कंपनी की तरफ से एक आदमी भेजा जाएगा सर्वे करने के लिए, और वो ये चेक करेगा कि आपने जो लोकेशन फाइंड आउट की है वो लोकेशन कंपनी की सुटेबिलिटी के हिसाब से है या नहीं, वहां पे अच्छा बिजनेस होगा या नहीं, आप वहां पे प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, सारी चीजें सर्वे करके आपको बताई जाएगी। दूसरा, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनिंग सपोर्ट। देखिए दोस्तों, एक बार जब आपका लोकेशन फाइनल हो जाएगा तो उसके बाद में कंपनी का सीनियर डिजाइनर आपके आउटलेट पे जाएगा और इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, इंटीरियर डिजाइनर सबसे मिलेगा और ब्रांड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके आउटलेट का इंटीरियर एंड एक्सटीरियर करवाएगा। और साथ ही साथ अलग अलग ओकेशंस एंड कैटरिंग आपको 5 साल तक कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड की जाएगी। तीसरा, स्टोर ऑपरेशन सर्विस। देखिए दोस्तों, जब आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको एम्प्लॉयज को हायर करना होगा, और जब आप एम्प्लॉयज को हायर करेंगे तो फर्स्ट डे से एक्सपर्ट्स तो होंगे नहीं, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो दोस्तों, ट्रेनिंग देने के लिए आपको कंपनी की तरफ से 3 दिन से लेकर 5 दिन तक एक फूड एंड बेवरेज मैनेजर को भेजा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके आउटलेट पे 30 दिन के लिए एक हेड शेफ आएगा और 45 दिन के लिए किचन सुपरवाइजर आएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार जब आपके एम्प्लॉयज ट्रेन हो जाएंगे तो उसके बाद में ये वापस चले जाएंगे। और इनकेस अगर आपको लगता है कि आपके एम्प्लॉयज ट्रेन नहीं हुए हैं तो आप किचन सुपरवाइजर 15 से 20 दिन के लिए और भी रोक सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कंपनी को प्रायर नोटिस देना होगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे, जब आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको कंपनी की तरफ से 3 लोग मिलने वाले हैं। सबसे पहला फूड एंड बेवरेज मैनेजर, दूसरा हेड शेफ और तीसरा किचन सुपरवाइजर। चौथा, स्टाफ हायरिंग। दोस्तों, जब आप इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे तो कंपनी की तरफ से आपको स्टाफ हायरिंग में हेल्प की जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, स्टाफ को कैसे हैंडल करना है, इन्वेंटरी को कैसे मैनेज करना है और सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है, इन सारी चीजों की भी ट्रेनिंग आपको दी जाने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, ताकि मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता पाऊं। दोस्तों, सबसे पहला मॉडल है टेक अवे और कियोस्क मॉडल। अगर आप इस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको फ्रेंचाइजी फीस के तौर पर पे करना होगा 4.5 लाख रुपए प्लस GST, और ये जो अमाउंट होगा वो 5 साल के लिए होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको इक्विपमेंट्स के लिए खर्च करना होगा 2 लाख रुपए, इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए आपको खर्च करना होगा 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख रुपए, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस का पकड़ लीजिए 30,000 रुपए। इसके बाद में दोस्तों, रॉ मटेरियल्स के लिए आपको पे करना होगा 75,000 रुपए। तो अगर हम टोटल करें तो हो जाएगा 8 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपया। तो दोस्तों, अगर आप टेक अवे या कियोस्क मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास 8 से 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। दूसरा मॉडल है स्टैंड अलोन और हाई स्ट्रीट मॉडल। दोस्तों, अगर आप इस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फ्रेंचाइजी फीस पे करनी होगी 5 लाख रुपए प्लस GST, और मैं आपको बता दूं, ये भी सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड होगा। इसके अलावा दोस्तों, इक्विपमेंट्स के लिए आपको खर्च करना होगा 2.5 लाख रुपया, और इंटीरियर और एक्सटीरियर मेकिंग के लिए आपको खर्च करना होगा 2.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस का आप पकड़ लीजिए 35,000 रुपया, और रॉ मटेरियल आपको लेना होगा 1 लाख रुपए का। सो दोस्तों, अगर आप इस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो टोटल कॉस्ट आपका लगने वाला है 11 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए के बीच में, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए। दोस्तों, तीसरा और आखिरी मॉडल है डाइनिंग मॉडल। इस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको एज अ फ्रेंचाइजी फीस
पे करना होगा 5 लाख रुपए प्लस GST, ये भी 5 साल के लिए वैलिड होगा। इसके अलावा दोस्तों इक्विपमेंट्स के लिए आपको खर्च करना होगा 2.5 लाख रुपया। इंटीरियर और एक्सटीरियर मेकिंग के लिए आपको खर्चा करना होगा 4.5 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के बीच में। और मिसलेनियस का आप पकड़ लीजिए 40,000 रुपया। रॉ मटेरियल आपको खरीदना होगा लगभग 1 लाख रुपए का, तो टोटल हो जाएगा 15 लाख रुपया। तो दोस्तों अगर आप डाइन इन मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में हम जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस पे हमको रिटर्न कितना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन बता देता हूं। देखिए दोस्तों अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं और आपका जो आउटलेट है वो आपका खुद का होगा, मतलब आपकी शॉप आपकी खुद की होगी, तो आपको 32% से लेकर 38% का नेट प्रॉफिट मार्जिन बचने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी जो शॉप है वो रेंट पे होगी तो आपको 25% से लेकर 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन बचने वाला है। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, मान लीजिए आपकी दुकान रेंट पे है और पर डे आपका 13,000 रुपए का सेल होता है तो महीने का हो जाएगा 3,90,000 रुपए का। अब दोस्तों इस 3,90,000 रुपए में से सारा खर्चा निकालकर आपका नेट प्रॉफिट होगा 25% से लेकर 30% के बीच में। सारे खर्चे से मेरा मतलब है आपका रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, रॉयल्टी, सारी चीजें निकालकर आपको 25% से 30% का प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी दुकान खुद की होगी तो 32% से 38% का प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिया गया, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करके भी इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।